अगर आप भी एक यूआर सॉफ्टवेयर वेबसाइट रन करते हैं या फिर रन करने की सोच रहे हो तो देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैसे आप रेफरल सिस्टम को सेटअप करते हैं। आप भी करना चाहते हो उससे देखो ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस को अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो आपके वेबसाइट में रेफरल सिस्टम होना ही चाहिए। तो इन सारे सेटिंग कॉस्ट के वीडियो हम कवर करने वाले हैं, तो जस्ट आप क्या करना है वीडियो पूरा देखना। कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। गाइस यहाँ देखो मेरे पास एक कमेंट आया था कि हाउ टू चेंज योर रेफरल कमीशन और उसके बाद पेमेंट सिस्टम कैसे सेटअप करते हैं इसे एक्सप्लेन करो। तो कोई नहीं, आज का वीडियो देखते रहिए, शायद आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही यार एक बात और आप लोगों से शेयर करना था, देखो जैसे मैं अपने यूट्यूब के चैनल को थोड़ा सा चेकअप कर रहा जैसे नीचे आता हूँ तो यहाँ देखो सब्सक्राइबर बेस जो मैं यहाँ पे देखो 90% लोग ऐसे 95% लोग ऐसे जो कि वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन देखो सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे यार प्लीज़ देखो ऐसा मत किया करो, देखो रियलिटी है, देखो वीडियोज़ बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। अगर हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना आपको वैल्यू दे पाए, अगर आपको वीडियो वाकई में आपकी वैल्यू है तो प्लीज़ यार देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो फ्री फर्स्ट इसमें कुछ पैसे तो लगने नहीं, लेकिन जैसे आप सब्सक्राइब करते हो हम भी थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, हम भी मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास डिलीवर कर सकें। तो जितना कम सब्सक्राइबर बेस रहेगा उतने ही हम लोग कम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी आप लोगों के पास नहीं जा पाता। तो वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो जो भी अगर वीडियो पसंद ना आए तो उसके नीचे कमेंट कर दिया करो जो भी आपको कमी लगे वो, और साथ ही अगर वीडियो कम अच्छा लगता है तो उसे भी कमेंट करो जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, या फिर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो क्योंकि ऐसे करने से देखो जितना उसको उतना हम लोग कम्युनिटी बिल्ड होगी और साथ ही और भी काम करने में देखो मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जो भी हो आप देख लेना, जो भी जैसा वीडियो आपको लगे प्लीज़ रिस्पॉन्स जरूर से दिया करो। ओके ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे हमारे पास मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया जो कि हमारा यूएस सॉफ्टवेयर वेबसाइट है। ताकि पहले जाते हैं अपने डैशबोर्ड में, तो देखो अभी ये आपको अपना मेंबर एरिया दिख रहा है जो कि आपको यूजर को दिखेगा। इस केस में देखो होगा क्या, यूजर भी आम देखो रेफरल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाए। जैसे यूजर इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पर उसे बेसिकली एक यूआर शॉर्ट नहीं है, एक यूआर मिल जाता है। अब यूजर जैसे इस यूआर को शेयर करें दूसरों के साथ, अगर दूसरे इस यूआर के थ्रू जहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो आपने जितना भी यूआर का जो कमीशन सेटअप किया हुआ है उतना आपको यूजर को यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे आप सेटअप कैसे करोगे ये शायद बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो एडमिन एरिया में यहाँ पे चले जाना, ताकि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पाने के बाद देखो एडवांस सेटिंग में चले, उसके बाद अगेन सेटिंग में चले जाना। यहाँ पर जाते हो तो एक ऑप्शन आपको मिलता है देखो अर्निंग, यहाँ पर आते हो जैसे नीचे आते हो तो यहाँ हम देखो इनेबल रेफरल्स, ठीक है, उसके बाद रेफरल परसेंटेज यहाँ पर सेटअप करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसे यस होगा, तो अगर नो होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर यस कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटर करना परसेंटेज वाइज। जैसे अगर इंटर यहाँ पे नीचे देखो इंटर तो रेफरल अर्निंग परसेंटेज एग्जाम्पल यहाँ पे 20 है, तो जितना परसेंट आप वहाँ पर रेफरल कमीशन देना चाहते हो परसेंटेज वाइज उतना आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 30% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर यूजर यहाँ पर रिडायरेक्ट होता है तो जितना भी यूजर अर्निंग करेगा उतना आपको यहाँ पर उसका 30% कमीशन मिलने वाला है। अगर यहाँ पर कोई बैनर कोड तो ओवरऑल चाहो तो कुछ ऐसा आप लिंक के थ्रू बैनर कोड भी अगर यहाँ पर प्लेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जो कि अगर आप यूजर को डैशबोर्ड में भी यहाँ से शो करने लगे। खैर इतना करना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स दिया गया कि यहाँ पर एचटीएमएल कोड के थ्रू यहाँ पर प्लेस करना होगा, साथ ही वहाँ पर रेफरल कोड ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लेस होल्डर में जाएगी। तो और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे आना 30% यहाँ पर सेटअप करना या फिर जितना भी आप देना चाहते हो वो करना है, जस्ट नाउ सेव चेंजेस क्लिक करना है। अब बात करते हैं विड्रॉ सिस्टम कैसे काम करती है, तो उसके देखो डायरेक्टली मैं चले जाता हूँ अपने मेंबर एरिया में। ओके, तो देखो मेंबर एरिया में जैसे आप आते हो जेंटली चले जाते हैं यहाँ देखो विड्रॉ सिस्टम में। अब हो गया जैसे यूजर ने जितना भी अर्निंग की हुई चाहे वो रेफरल के जरिए हो या फिर ओवर लिंक के जरिए, तो हो गया सारे पेमेंट सिस्टम यहाँ पर शो होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे जितने भी आपने थ्रेशोल्ड सेट की होंगी, जैसे यहाँ पे 132 रुपये अभी दिखा रहा है, तो यूजर को जितने आपने 200 250 500 जितना भी आपने थ्रेशोल्ड मिनिमम बैलेंस अब उसके यूजर के पास होना है जितना भी आपने सेट किया होगा, सिंपली रिक्वेस्ट पर यूजर करेगा उसके बाद ओके पर क्लिक करेगा। तो इस केस में देखो यहाँ पर मेरे पास 200 कम से कम विड्रॉ लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा एडमिन पैनल में आपको सारे लिंक वहाँ पर शो होने लिंक, जैसे विड्रॉ फिनिश्ड यहाँ पर करते हो तो वो साइज से ये यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हो गया जैसे आपने पेपाल के थ्रू, जैसे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पेपाल होता है, लेकिन हमारे केस में जैसे यूजर को यहाँ पे दिखाता हूँ उसके बाद सेटिंग में आपको प्रोफाइल में जाकर दिखाता हूँ, तो वह क्या देखिए यहाँ पे आपने खुद से सेट किया होगा जैसे पेटीएम के थ्रू 200 होना चाहिए, यूपीआई के थ्रू 200 होना चाहिए, तो वैसे ही होगा यूजर भी आपको बताएगा कि उसे पेमेंट किस थ्रू चाहिए।
तो आपको जस्ट क्या करना होगा, जैसे उसने अगर UPI सेटअप किया हो तो अपना UPI ID वहाँ पर दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिस्ट वाइज शो होंगी। तो जस्ट कुछ नहीं करना होता, जैसे लिस्ट को आप ओपन कर दो, यहाँ पर सारे यूजर के और यहाँ पर पूरी पूरी डिटेल होंगी। उसके बाद सामने वहाँ पर जैसे विदड्रॉ मेथड यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर UPI ID हो सकता है, फ़ोनपे नंबर होता है, कुछ भी यूजर आपको प्रोवाइड करेगा, जस्ट उसे कॉपी करना, आपको पेमेंट मैनुअली ही सेंड करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम अभी इसमें सेटअप करना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल होगा तो देखो, मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करती है। हम लोग भी जितना काम करते हैं मैनुअली ही चल रहा है, लेकिन चलता है जितने भी पेमेंट सिस्टम अभी यूएस ऑटो में, मुझे लगता है सारे लोग मैनुअली ही पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि UPI को बिल करना, पेटीएम को बिल करना ऑटोमेटेड सिस्टम है, अभी थोड़ा सा टफ काम मुझे लग रहा है होगा, इसे सारी चीज़ें मैनुअली ही चल रही है। तो जस्ट आप ही चलो मैनुअली कर लो, यहाँ पर जितने भी लिस्ट वाइज होंगी सारे सारे यहाँ पर शो होंगी, आपको उसे कॉपी करना, पेमेंट करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्क एंड एज पेन, जैसे वहाँ से पेमेंट करते हो, यहाँ पर आप पेमेंट अप्रूव कर दो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी और यूजर के अकाउंट से भी उतना पैसे शोना कट जाएगा। सारी चीज़ें तो ऐसे ही चल रही हैं, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कोई डाउट हो तो देखो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, सारी चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो आपको रिप्लाई दे दूँगा और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी कॉन्टैक्ट करते हो, तो वहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ, आप हमें इंस्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चाहे गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लास्ट थिंग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 95% लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन इन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।